नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 20x50 1000 स्क्वायर फीट पर एक सिंगल मकान की बनती प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो हॉल बेडरूम किचन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इसके साइज के साथ साथ यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर प्लास्टर काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और टाइल्स का काम अब यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिखाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बनती प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट है यहाँ पर है 20 और इसकी यहाँ पर गहराई 50, मतलब टोटल 1000 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की प्लानिंग आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर एलिवेशन बनाया गया है। बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सुंदर सी बाउंड्री वाल यहाँ पर बनाई गई है और आयरन का गेट आपको यहाँ पर फ्रंट पर यहाँ पर पार्किंग पर देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन पर यहाँ पर बनाया गया है। तो इसकी प्लानिंग मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो आइए चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है 9.5x19 इस पार्किंग साइज को यहाँ पर बनाया गया है। तो आपकी आसानी से 2-व्हीलर गाड़ी 4-व्हीलर गाड़ी आप आसानी से यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोर टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है ताकि ये मजबूत रहती है। तो आप जो वाहन वगैरह आप यहाँ पर खड़े करें तो आपको टाइल्स का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर सा गेट आपको फ्रंट पर देखने को मिलेगा। और 10x5 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन यहाँ पर, और यहीं पर से जीना आपको देखने को मिलेगा पहली स्टेप और एक दूसरी स्टेप, मतलब दो स्टेप पर इस जीने की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सामान वगैरह आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी वाइट टाइल्स यहाँ पर लगाई जा रही है। जो जीना है आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग की जगह पर ना रखते हुए इसको एक साइड यहाँ पर इस जीने को प्लान यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडो आपको यहाँ पर बाहर देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक बेडरूम है और यहाँ पर एक हॉल, और हॉल पर ही आपको एक विंडो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर इस प्लानिंग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर है हॉल 15x10 इस हॉल के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं वाइट टाइल्स यहाँ पर पूरे पे यहाँ पर लगाई जा रही है और यहाँ पर हॉल पे ही आपको विंडो, यहाँ पर भी एक विंडो ताकि इसका उजाला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहीं पर है आपका बेडरूम 10x11 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। विंडो आपको यहाँ पर दी गई है जीने के यहाँ साइड से ताकि इसका उजाला हवा यहाँ पर भी आपके बेडरूम पर आ सके, और एक स्लिप यहाँ पर भी दी गई है। प्लास्टर काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और एक देख सकते हैं यहाँ पर भी एक जाली यहाँ पर भी दी गई है ताकि इसका उजाला इधर से भी आ सके। और यहाँ पर बनाया गया है वेंटिलेशन ताकि इसका उजाला आप बेडरूम, लेट बाथ और आपके हॉल पर भी देखने को मिलेगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं एक लेट बाथ यहाँ पर, कॉमन लेट बाथ यहाँ पर बनाई गई है इंडियन सीट के साथ, और टाइल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और एक सेफ्टी टैंक यहीं पर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहीं पर आपको एक बेडरूम और देखने को मिलेगा 10x12 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं पर आपको लेट बाथ बनती हुई दिखेगी, यहाँ पर भी नल फिटिंग का काम चल रहा है। इस बेडरूम पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है ताकि इसका जो उजाला यहाँ पर भी बेडरूम पर भी आ सके। और पास पर यहाँ पर बनाया जा रहा है किचन, यहाँ पर आप किचन की प्लानिंग यहाँ पर की गई है 8x7 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। नल के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर एक स्टैंड आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा जब यहाँ पर बनेगा, तो इसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और यहाँ पर भी एक खिड़की दी गई है ताकि उजाला आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। वेंटिलेशन यहाँ पर भी बनाया गया है। ऐसा कैसे यहाँ पर दूसरी तीसरी मंजिल तक यहाँ पर पूरा यहाँ पर सलंग जाएगा। यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है, तो आप देख सकते हैं अभी काफ़ी उजाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 20x50 1000 स्क्वायर फीट पर एक पार्किंग, छोटा सा गार्डन, और बाहर के बाहर जीना, और आपका एक हॉल और दो बेडरूम के साथ एक लेट बाथ के साथ ऐसी प्लानिंग यहाँ पर की गई है।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।